सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज तथास्तु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा Amazon के स्पॉन्सर एड्स के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिसाइड करता है कि आपका एड कैंपेन प्रॉफिटेबल है या आप लॉस में सेल कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना नहीं जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो भी थोड़ा बहुत अगर आप इस बारे में जान लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ऐसी कोई भी ऑनलाइन कंपनी नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करती है। ऑनलाइन कंपनी एक तरीके से फिजिकल स्टोर नहीं होता है, ये एक ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, और ऑनलाइन प्रेजेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एड्स रन करने पड़ते हैं। डजंट मैटर इफ़ द प्रोडक्ट इज़ ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस और आप खुद की वेबसाइट पर कर रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बना के छोड़ देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपको एड्स रन करने पड़ते हैं, राइट? चाहे वो फेसबुक एड्स हो, चाहे गूगल एड्स हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप एड्स रन करते हैं। इसी तरह अगर मार्केट प्लेस पर भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो आपका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो आपको एड्स रन करने पड़ते हैं। और वो एड्स रन करने पर जब उस पर्टिकुलर कीवर्ड में या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, तो आप अगर एड रन करते हैं, आपका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो वो एड के ज़रिए उस रिलेवेंट कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखता है और वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, और उससे वो दोनों टर्म जो है डिसाइड होते हैं कि आपका प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, और दूसरी जो है वो है ROAS, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं किसी भी एड कैंपेन के, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे अमेज़ॉन पे हो, या चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। ये दो टर्म्स डिसाइड करते हैं कि आपका एड कैंपेन कैसा रन कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर मेरा एड कैंपेन भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एड कैंपेन प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। सो गाइज, देख सकते हैं ये मेरा स्पेंड है, ये सेल्स जो जनरेट हुई है, ये है ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, और ये लास्ट 7 डेज का कैंपेन है। देखिए, टोटल मैं आपको जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स डाले हैं। वो एक पूरा डिटेल मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, इसको बहुत अच्छे से बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कह रहा है कि मैंने जो 566 रुपीस खर्च किए थे उसमें 6,660 रुपए की सेल हुई है, 8.50% का एवरेज ACOS है और ROAS है। तो पहले मैं आपको ROAS बता देता हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब कि मैंने 566 रुपए खर्च करके उसकी 11.77 गुना सेल जनरेट की है। 566 का स्पेंड किया, 11.77 टाइम्स उसकी सेल जनरेट हो गए, 6,660 रुपीज़ की सेल हुई। अगर मैं ये 5,660 रुपये करता तो शायद ये 66,600 की सेल होती इस ROAS के हिसाब से। तो ये होता है, कहते हैं ना कि 1,000 रुपये डाल के 10,000 की सेल जनरेट की, मतलब 10 का ROAS, समझ में आया आपको? जैसे अगर आप करते हो कि भाई हमने अपना एक कैंपेन रन किया, उसमें हमने 5,000 रुपये डाले और 50,000 की सेल जनरेट की, यानी कि 10 का ROAS। तो ROAS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ROAS मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब मैं आपको समझाता हूँ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकाली जाती है। लेट्स से आप एक बैग सेल करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 4 चीज़ों में डिवाइड किया है, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस और ऑर्गेनिक प्रॉफिट। ऑर्गेनिक प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जिस पर बिना एड रन किए आपका प्रॉफिट कितना बनता है। जैसे कि आपके प्रोडक्ट की परचेज प्राइस है 200 रुपये, आप एक बैग 200 रुपये में बनाते हैं या आप खरीद के लाते हैं, उसको आप 499 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर इसकी आपको सेल जनरेट होती है, लेट से आप मार्केट प्लेस का कमीशन, आपके दूसरे जो खर्चे हैं वो निकाल के 499 पे अगर आपका 20% मार्जिन है, यानी कि 100 रुपए का, अब अगर आप देखेंगे कि आपको अब ऑर्डर नहीं आ रहे हैं इस पे बिल्कुल भी, तो आपने एड रन किया, आपने एक एड कैंपेन बनाया, तो आप जब एड कैंपेन करते हैं, और लेट से मेरा जो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि 8.50% का ACOS है, और लेट्स से आपका भी ACOS 8.50% होता, तो मार्जिन जैसे मेरा 20% है, उसमें से 8.50% मैंने माइनस किया, तो 11.5% मेरा मार्जिन बचा, और 57.38 आफ्टर स्पेंडिंग ऑन एड मेरा ये बचा। तो ACOS अगर आपका ज़्यादा होता है तो आपका मार्जिन में से ये माइनस करता है। लेट्स से आपका अगर आपका ACOS हो जाता है 8.50 की जगह 15.50%, ओके, तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि
20% में से 50% हटा देते तो अब मेरा मार्जिन सिर्फ 4.5% बचा, यानी कि 4.5 इंटू 499 डिवाइड बाय 100 मैंने सिर्फ 22.45 रुपीज़ कमाए। तो इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा ACOS बढ़ेगा उतनी आपका जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ACOS जितना कम रहेगा उतना आपका मार्जिन ज़्यादा रहेगा और आपका कैंपेन सक्सेसफुल रन करेगा। तो इस तरीके से ACOS और ROS होता है, ये टर्म्स मुझे बताने इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं आगे आपको एक वीडियो बना के दिखाता हूँ एड कैंपेन कैसे क्रिएट किए जाते हैं या जो भी चीज़ें बताता हूँ, तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी ना तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आप लोगों की शिकायत आती है कि सर आपका वीडियो आता है तो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को अलाउ कर दीजिए सो दैट जैसे ही मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।